हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीसीबीएल शेयर के बारे में। पहले इसका नाम फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड था और ये रिसेंटली चेंज हुआ है और इसका नाम बन गया है पीसीबीएल लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है, इसका बिजनेस कैसा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और इसका शेयर कैसा है और इसके फंडामेंटल कैसे है, सभी चीजें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये कंपनी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है और ये यहाँ पर आप वेबसाइट देख सकते हो कि यहाँ पर ये कुछ चीजें प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं और इसके अंदर ज्यादा ब्लैक कलर, क्योंकि कंपनी में ही फिलिप्स कार्बन ब्लैक कंपनी है तो ये एक्चुअल में कार्बन ब्लैक बनाती है और जो ब्लैक कलर है, ब्लैक चीज़ है, वो केमिकल कंपनी है तो बहुत सारी जगह पे यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फाइबर सेगमेंट के अंदर भी ब्लैक कलर जो यूज होता है और ये ड्रिप इरिगेशन में भी सेगमेंट के अंदर होता है या पाइप्स के अंदर, जो भी यहाँ पर आप देख सकते हो फिल्म एंड मॉडलिंग सेगमेंट में और यहाँ पर आप कैमरा में भी जो भी ब्लैक कलर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है स्पेशलिटी केमिकल से, ये केमिकल बनाती है और ये केमिकल प्लास्टिक में यूज होने वाला केमिकल, रबर में यूज होने वाला, लेकिन ब्लैक। ठीक है, मोस्ट ऑफ ब्लैक कलर ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आता, बट ब्लैक मोस्ट ऑफ कलर अच्छा ही अट्रैक्ट करता है। देखो ब्लैक में ही मेजोरिटी चीजें आपको देखने मिलेगी और मेन काम यही इसका मेन बिजनेस है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये कार में भी जो यूजे कलर यूज हुआ है या जो भी मटेरियल यूज हुआ है जिसके अंदर ब्लैक कलर आ रहा है और वो केमिकल मिक्स करने के बाद ये चीजें बनी हुई है और ये प्लेट्स देख रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो ब्लैक, जिसमें कार्बन ब्लैक यूज होता है, वो चीजें पीसीबीएल बनाती है। ठीक है, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है और ये कंपनी का अभी शेयर कैसा है, ठीक है, ये जान लेते हैं। और शेयर हम तीन जगह से इसको एनालाइज करने वाले हैं तो तीनों में अलग अलग चीजें आपको देखने मिलेगी, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए किस तरीके का है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, आपको किस तरीके का, तो पूरा जेन्युइन चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको कोई बताना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ, इसका शेयर का प्राइस चल रहा है लगभग 103 रुपए का और ये एनएससी बीएससी दोनों पर आपको मिलेगा ट्रेडिंग के लिए और 89 का ये लो मार चुका है पूरे एक साल के अंदर और 138 का हाई मार चुका है एक साल के अंदर। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर इसमें स्ट्रेंथ 7 स्ट्रेंथ है, 9 वीकनेसेस है और एक अपॉर्चुनिटी है और एक थ्रेट है। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी विद द लो डेट बता रहा है, यानी कंपनी पे कर्जा है लेकिन कम है। ठीक है, लो बता दिया यानी कम है तो टेंशन फ्री होने का, टेंशन ज्यादा लेने का नहीं क्योंकि कंपनी पे कर्जा कम है अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो। ठीक है, और वीकनेसेस में 9 है जिसमें से बता रहा है कि जो शेयर होल्डर का फंड होता है, जैसे ये मार्केट कैपिटल में से जो हमारा इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी फंड है, उसका जो यूज है वो प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा, इन इफिशियंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज करना इफेक्टिवली या इफिशियंटली यूज करना चाहिए तो उतना यूज ये कैपिटल का यूज नहीं कर रही है कंपनी, जिसके वजह से वो रिटर्न ज्यादा नहीं जनरेट कर पा रही, ऐसा इनका कहना है लास्ट 2 साल से। और यहाँ पर स्ट्रीट का फेवरेट है, ये हाई एनालिस्ट रेटिंग है विद एटलीस्ट 20% अपसाइड इसमें आ सकता है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, और इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, यानी इसका अदर इनकम भी है, अदर इनकम से भी ये कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा आता है, वो भी हम इसके कंप्लीट फाइनेंशियल में देख लेंगे वो भी चीजें। और यहाँ पर इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, तो ओवरव्यू में यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मार्केट कैपिटल जो है 3914 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है और ये डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी। देखो आपको बैंक अकाउंट में सेविंग पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, अगर आपको पता होगा 3% 3.5% तो आप समझ लो कि
आप बैंक में ही पैसे रख रहे हो अगर ये शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है, लगभग आपको 4.82% आपको आपके बैंक अकाउंट में ही मिलने वाला है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट ये शेयर में करने वाले हो, ठीक है। और ये एक आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट उस पर आपको उतना पैसा मिलेगा, मतलब ये साल भर में आपको इतना तो परसेंटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये एक डेफिनेटली एक गारंटी होती है। और ऊपर से इसका डिलीवरी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है, यानी इसकी जो शेयर की डिलीवरी उठाई जा रही है मार्केट से तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठा रहे हैं लोग यहाँ पर, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग से भी ज़्यादा इसको डिलीवरी के लिए उठाए जा रहे हैं ये शेयर, तो काफ़ी अच्छा है। ये फेस वैल्यू इसका ₹1 का फेस वैल्यू आ रहा है, और ये लगभग इसका पी जो है ₹9 का आ रहा है, 9 का आ रहा है, 9.19 का आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा इसका पी है और प्राइस टू अर्निंग अच्छा है। स्टॉक का पी और इसका पी भी लगभग आसपास ही है, ईपीएस भी पॉजिटिव है, अच्छा ही है। और यहाँ पर इसके चार्ट्स में दिखा देता हूँ, और ये है फिलहाल ये इसके एक साल के चार्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके एक साल के चार्ट में ये लगभग यहाँ पर देख लो 113 का इसने लो मारा था, वहां से एक अच्छा हाई मारा था, ठीक है, वहां से फिर से एक लो मारा, फिर हाई मारा, फिर लो मारा, तो ये अप एंड डाउन इसने बहुत किया है। बीच में एक बार इसने डिविडेंड दिया ₹10 पर शेयर के हिसाब से, तो काफी अच्छा डिविडेंड ये दे चुका है 1 फरवरी 2022 को। उसके बाद ये गिरा। देखो मैंने हमेशा कहा है कि डिविडेंड हो या कोई ऐसी कुछ अनाउंसमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर आते ये पैसा ले लेते, ये कमा लेते, ये कमा लेते और निकल जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद काफ़ी गिरावट आ जाती है, फिर यहाँ पे फिर से खरीद लेते, फिर यहाँ पर एक स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हुआ है 2:1, तो 2:1 यानी 1 के 1 के बदले 2 शेयर्स मिले हैं, काफ़ी अच्छा इसका स्प्लिट हुआ है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यानी यहाँ पर ऐसा हुआ है, स्प्लिट का मतलब होता है कि आपका जो फेस वैल्यू है उसकी वैल्यू घटने वाली है। यहाँ पर ये 2:1 मतलब यहाँ पर ये 2 था उसका 1 बन गया है, यानी आधा हो गया है आपका स्टॉक, यानी 1 का शेयर 2 हो गया है, ये याद रखना। इसका स्प्लिट का ये फेस वैल्यू का स्प्लिट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टॉक कंप्लीटली आपको यही नजर आएगा कि जो 11 अप्रैल 2022 को जो प्राइस था वहां से ये शेयर काफी, उसके बाद स्प्लिट के बाद आपको इसका गिरावट आप देख सकते हो, मोस्ट ऑफ स्प्लिट हो, बोनस हो, उसके बाद शेयर की वैल्यू और भी घट जाती है। और यहां पर इसका प्राइस बन गया था लगभग आप देख सकते हो 94 का लो आया था, फिर वहां से फिर थोड़ा सा अपसाइड आया, फिर एक रेंज में चला, क्योंकि यहाँ पर कैसा हो जाता है कि आपके पास क्वांटिटीज शेयर की बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपके पास ₹2 फेस वैल्यू का 1 शेयर था तो उसके आपको ₹1 शेयर फेस वैल्यू के 2 शेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है, थीके? अगर 100 है तो 200 मिलेंगे, 1000 है तो 2000 मिलेंगे, तो इसी तरीके से क्वांटिटीज बढ़ने के वजह से लोग थोड़े बहुत क्वांटिटीज बेच देते हैं, फिर से सेम जो क्वांटिटी पहले थी उतनी ही रखते हैं, फिर ये शेयर फिर से गिरने के बाद चाहिए तो फिर से खरीद लेते हैं, तो ये चीज हमेशा होती है। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने ये चीज देखी है कि स्प्लिट के बाद, जैसे मैंने SBI को भी देखा था, स्प्लिट के बाद काफी गिरा था, 3000 का शेयर था तो 300 हुआ था, तो स्प्लिट के बाद, और वो स्प्लिट होने के बाद काफी गिरा था, लगभग काफी आधा हो गया था, ठीक है, तो ये चीज होती है, ये एक्सपीरियंस कहता है। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में ये शेयर काफी बढ़ गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे खासे इसने रिटर्न दिए थे, लगभग ये 44 का शेयर हुआ करता था, फिर इसने 159 का हाई मारा, ये अभी स्प्लिट के बाद एडजस्टमेंट जो एडजस्ट हुई वो वैल्यू है, ठीक है, तो उसके बाद ये काफी फिर से गिरा और इसका प्राइस बना लगभग ₹30 इसका प्राइस बन गया,
ठीक है, 27 रुपए का लो बनाया इसने और ये 23 मार्च को बनाया, काफी खराब लो ये बनाया इसने। लेकिन यहाँ पर जिसने बिंदास खरीदा, देखो यहाँ पर मैं यही आपको सिखाना चाह रहा हूँ, देखो किसी भी शेयर का इतना खराब टाइम आता भी है लेकिन ये भी दिन फिर से देखने मिलते हैं। तो यहाँ से ये इतना गिरते गया और ये इसको लगभग गिरते गिरते कितना टाइम लगा ये भी देख लो, 2018 से ये 2020 तक काफी गिरा, 2 साल तो ये कंटिन्यू गिरा, फिर उसके बाद देखो काफी बढ़ा। तो मोस्ट ऑफ ये भी पॉसिबल होता है, कोई कोई शेयर काफी जल्दी रिकवर हो जाता है, किसी किसी को टाइम लगता है। तो हमको एक ही काम कर सकते हैं कि थोड़े और क्वांटिटीज खरीदो ताकि हम जल्द से जल्द भी निकले, अगर जल्दी नहीं निकलते तो प्रॉफिट तो अच्छा खासा और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो फिलहाल मैं तो यही स्ट्रैटेजी करता हूँ और मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, मार्केट आज अच्छा रिटर्न्स दे रहा है तो कल कहीं खराब भी दे सकता है, लेकिन स्टॉक अच्छा पकड़ के रखो ताकि आपको अफसोस ना हो कि आपका आपने गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में इसके रिटर्न्स देखो, एक टाइम पे 20 साल से ये कंपनी मार्केट में है, तो यहाँ पर आप देखो कि कितने खराब, मतलब यहाँ पर 10-20 पैसे का ये शेयर हुआ करता था, 5-10 पैसे का 10, तो वो टाइम पे जिसने भी लेके रखा ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी, बहुत टाइम तक इसने होल्ड किया, बहुत साल तक होल्ड किया, लगभग वही प्राइस तक, जल्दी बेचा नहीं, देखो 3-4 रुपया गया फिर से डाउन आया, बहुत साल तक किसी ने होल्ड किया। ये मैं आपको हिस्ट्री इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आप आपके जो पास जो शेयर से आप भी उतना होल्ड करने की ताकत रखोगे। देखो फिर से कितने साल तक उतना ही रेंज में रहा, फिर से वो 1 रुपया होता था, 2 रुपया, 2-3 रुपया होता, फिर से नीचे जाता था, फिर इसके बाद ये शेयर ने देखो 2017 से मतलब 16-17 साल तक ये शेयर दबा का दबा रहा, लेकिन वो टाइम पे जो भी क्वांटिटीज खरीदते गया होगा या जितनी क्वांटिटीज खरीदते गया होगा, देखो एक टाइम पे आप एक समय पे ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपके पास टाइम मिले, आपके पास पैसा आए हर महीना हर साल, तो उस हिसाब से ज्यादा क्वांटिटीज खरीदते जा सकते हो और उसका एक बेनिफिट आप उठा सकते हो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में, और वो लॉन्ग टर्म में इस तरीके का बेनिफिट हो जाता है और आपका शेयर देखो रॉकेट की तरह उड़ना चालू हो जाता है, फिर हो जाता है 159 का, कुछ पैसे का शेयर था और उसके बाद ये इतना हो जाता है, फिर यहाँ से फिर करेक्शन आता है। देखो लोग बेचना भी चालू करते हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई और भी एक्सपेक्ट करते जाएगा, देखो रॉकेट बन गया तो रॉकेट को नीचे आना भी पड़ेगा, लैंडिंग करेगा ही, तो लैंड देखो उसी स्पीड में करता है, फिर से फिर बढ़ता भी उसी स्पीड में है, तो ये शेयर मार्केट है ऐसा चीजें होती रहेगी। तो आपका भी शेयर इसी तरीके की मूवमेंट करता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, अगर आज जो ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो आगे जाके थोड़ा करेक्ट भी होगा, और आज जो करेक्टेड है तो आगे जाके अच्छा प्रॉफिट भी देगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके वॉल्यूम, प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसने देखो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, 3 साल वाले को लगभग 47-48% के रिटर्न दिए और 1 साल वाले को इसने 10% का लॉस है, और जनवरी से अभी तक जिसने इन्वेस्ट किया उसको 14-15% का लॉस है, और 3 महीने वाले को 6% का प्रॉफिट है, 1 महीने वाले को 1.25% का लॉस है, और 1 वीक वाले को 3-4% का लॉस है। ठीक है, और यहाँ पर किसी किसी लोगों के यहाँ पर रिकमेंडेशन आए हैं बाइंग के, और ये देख लो PCBL का यहाँ पर टारगेट का 160 का बताया हुआ है, और फिलहाल अभी जो भाव चल रहा है उससे 160 जाएगा, ये 11 अप्रैल का यहाँ पर टारगेट बताया है, और यहाँ पर PCBL को ICICI ने 31 जनवरी को एक बाय का रिकमेंडेशन दिया है 320 का। ठीक है, तो ये सारे रिकमेंडेशन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेलिंग का यहाँ पर ज्यादा बताया है, क्योंकि यहाँ पर 60% लोग इसको सेल करो ऐसा बता रहे हैं और 40% बाय करो। ठीक है, और यहाँ पर देखो बाइंग के रिकमेंडेशन ICICI डायरेक्ट के पहले 11 अप्रैल को फिर से आया 160 के लिए। ठीक है, क्योंकि पहले ये स्प्लिट नहीं हुआ था तभी का ये भाव है, तभी बताया था, और अभी स्प्लिट के बाद की बात है कि ये उसको 160 का टारगेट दिया है। ठीक है, और 160 यानी आप अंदाजा लगा सकते हो 160 मतलब कितना होता है, 50-60% के रिटर्न्स यहाँ से बताए हुए है। ठीक है,
और फिलहाल यहाँ पर इसका अभी प्राइस जो चल रहा है ये 103 का है, और 160 के लिए आईसीआईसी पे आप अगर भरोसा करते रहोगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पहले से इन्वेस्टेड हूँ। और यहाँ पर अभी स्क्रीनर पे बता देता हूँ स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है, तो स्क्रीनर का फटाफट डेटा देख लेते हैं। और स्क्रीनर इसके बारे में बता रहा है कि इसका जो मेन चीज है प्रोज एंड कॉन्स, तो ओनली पॉजिटिव चीज ये कंपनी में बताई है, नेगेटिव कुछ नहीं बताया। ये काफी अच्छा चीज है कि स्टॉक प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड, डिविडेंड काफी अच्छा देती है आपको, आपके इन्वेस्टमेंट पे एक फिक्स रिटर्न आते जाएगा हर साल। और यहाँ पर कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 41.63% का अच्छा खासा ये डिविडेंड पे आउट भी देती है। और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में ये सबसे नीचे है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट कंपनी का प्राइस भी सस्ता है, और यहाँ पर इसका पी भी काफी सस्ता है, और मार्केट कैपिटल भी काफी कम है, और ये डिविडेंड में भी सबसे ज्यादा डिविडेंड यही देती है। तो ये पॉजिटिव चीज है। अपॉर्चुनिटी मेन होती है, जहां पर अपॉर्चुनिटी है वहां पर इन्वेस्ट करो, पहले से ही बड़ी हुई कंपनी या ज्यादा है उसके पास ऑलरेडी, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती है ग्रोथ की। तो फिलहाल ये कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि वैसी कंपनियां मल्टीबैगर रिटर्न्स देती है। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो जून 2019 से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी थोड़े गिर रहे थे, 912 करोड़ से थोड़ा थोड़ा हर महीने, हर 3 महीने बाद हर क्वार्टर में थोड़ा बहुत गिरा, जून क्वार्टर 2020 तक, फिर थोड़ा सा बढ़ना चालू हुआ, देखो सितंबर 2020 से बढ़ना चालू हुआ, और अभी फिलहाल बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है क्वार्टरली इसका सेल्स। और यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में है, ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं कर रही है, उसकी वजह से प्रॉफिट भी अच्छा खासा बचा ले रही है कंपनी, और फिलहाल अभी भी 134 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा लिया कंपनी ने। और यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट भी कर रही है, यानी बैच चुका रही है, 13 करोड़ का बैच वो 2019 में चुकाती थी, अभी फिलहाल 7 करोड़ का बैच चुका रही है, थोड़ा बहुत कर्जा कम हुआ है। अदर इनकम यही है, अदर इनकम 8 करोड़ का क्वार्टरली इसको हो रहा था, कभी 8 करोड़ 9 करोड़, अदर इनकम कितना भी हो सकता है, उसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, फिगर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर 12 करोड़ अभी फिलहाल किया है, तो इस पे हम ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हो, कभी कम ज्यादा होगा, मेन चीज है हमारे सेल्स पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए हमको। और यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, यहाँ पर देखो लास्ट जो 2019 का जून का क्वार्टर था उसमें 66 करोड़ का यहाँ पर इसने प्रॉफिट किया था नेट प्रॉफिट, फिर उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कभी बढ़ा फिर कम हुआ, तो यहाँ पर फिलहाल अभी देखो लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2021 से अभी तो फिलहाल थोड़ा सा कम हुआ है, 88 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो 2011 से इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, लगभग 10-11 साल का, तो यहाँ पर देखो 1696 करोड़ का सेल करती थी कंपनी, फिर उसके बाद स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद सेल्स थोड़ा बढ़ते गया, और यहाँ पर 2016 में घटा सेल्स, और थोड़ा फिर से फिर बढ़ना चालू हुआ, फिर बाद में 2020 बाद थोड़ा सा घटने चालू हुआ, और अभी फिलहाल से मार्केट में अच्छा फिर से सेल्स किया है, और मार्च 2022 का काफी अच्छा सेल्स हुआ है, ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो 1474,000 करोड़ का यहाँ पर इसका एक्सपेंसेस है, उसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 222 बचा लिया था इसने, और 13% इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा लिया था, और फिलहाल उसके बाद देखो एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ते भी गया, कभी कम हुआ, और फिलहाल अभी तो एक्सपेंसेस देख लो लगभग 3793 करोड़ का इसने एक्सपेंस किया, उसके बाद प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा बचा लिया कंपनी ने 653 करोड़ का, और 15% का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बचा लिया, ठीक है। और 21 करोड़ का अदर इनकम पहले होता था, और फिलहाल अभी 28 करोड़ का इसको अदर इनकम हो रहा है, तो काफी मेंटेन है अदर इनकम भी,
और इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 44 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी पहले पे करती थी, ठीक है, बैच चुका रही थी 44 करोड़, अभी 29 करोड़ का बैच कंपनी चुका रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 113 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2011 में हुआ था और फिलहाल अभी 426 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट अच्छा हुआ है। कंपनी ने एक ही बार 2013 में लॉस किया था, उसके बाद लॉस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स है कंपनी के फिलहाल। और बैलेंस शीट में देखो इसके बोरोइंग्स की बात करेंगे तो बोरोइंग काफी यहाँ पर स्टार्टिंग में 501 करोड़ था, फिर थोड़ा से बोरोइंग बढ़ते गया, यानी कर्जा बढ़ते गया, फिर 2015 के बाद थोड़ा कर्जा घटने लगा और फिलहाल यहाँ पर 2020 तक काफी घट गया था कर्जा, फिर से कंपनी के पास कर्जा बढ़ गया थोड़ा 724 करोड़, फिर 786 करोड़, तो फिलहाल कंपनी पर कर्जा है और ये कर्जा चुकाएगी तो कंपनी लाइक शेयर का एंड सब्सक्राइब अच्छा खासा यहाँ पर आपको बाद में प्रॉफिट जरूर देखने मिलेगा और आपके वेल्थ भी क्रिएट होगी और अच्छा खासा रिटर्न्स आपको भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग की बात बता दूं, देखो यहाँ पर शेयर होल्डिंग का डेटा किस तरीके का है, तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी प्रमोटर की होल्डिंग कम होती हुई नजर आई है और FIS की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई है और DIS की भी होल्डिंग बढ़ती हुई नजर है। काफी अच्छी अच्छी चीज है कि ये DIS बढ़ रहे, देखो सितंबर के बाद भी DIS यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर काफी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं फॉरेन के इन्वेस्टर और DIS का, तो ये एक अच्छा अच्छी चीज है और गवर्नमेंट का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट भी अच्छा इसमें इन्वेस्ट करती जा रही है और पब्लिक के पास भी 32% के है, पब्लिक थोड़ा बेच रही है, पब्लिक थोड़ा अलग टाइप की होती है, पब्लिक जहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए वहां पर घटाती है और जहां घटाना चाहिए वहां पर बढ़ाती है, ठीक है, तो इसी वजह से वो पब्लिक है और इसी वजह से लॉस करती है। और यहाँ पर PCBL की स्क्रीन यहाँ पर टिकर टेप पे बात करेंगे तो टिकर टेप इसके बारे में सारे पॉइंट इसमें पॉजिटिव बता रहे हैं, सब कुछ ग्रीन सिग्नल दे रही है, इंट्रेंसिक वैल्यू काफी अच्छा है, मतलब ये अभी भी बाइंग के लायक है, बाय कर सकते हो इसको, और ROE वर्सेस FD भी काफी अच्छा है, FD से कई गुना बेटर रिटर्न इसने दिए हैं और डिविडेंड रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं, एंट्री पॉइंट अभी भी अच्छा है और नो रेड फ्लैग मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस तो नहीं नजर आ रहे, ठीक है। और यहाँ पर 1 वीक के रिटर्न्स देखो 2.5% लॉस है, काफी लॉस नहीं है, 2.5% लॉस कुछ नहीं होता है और यहाँ पर 1 महीने का भी कुछ लॉस नहीं है, लगभग देख लो जहाँ के वहाँ है, काफी शेयर्स गिर चुके हैं लेकिन ये शेयर आज के टस से मस नहीं हुआ 1 महीने के अंदर, लेकिन 1 साल में 10% गिरा है तो कोई ज्यादा गिरावट नहीं। यहाँ पर मैंने शेयर्स को देखे 50-50, 60-60%, 70-70% तक शेयर्स गिरे है, क्यों? क्योंकि मार्केट की कंडीशन काफी खराब है, ग्लोबल के मार्केट और महंगाई और मंदी रिसेशन ये सारी चीजों की वजह से, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सारे चीजों की वजह से, रेपो रेट और बहुत सारी चीजें जो है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये सारी चीजें और ऑयल प्राइजेस बढ़ना ये सब कुछ मार्केट को गिरा रहे था, लेकिन ये शेयर टस से मस नहीं हुआ। 10% की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वैसे भी 4-5% के डिविडेंड आपको मिल रहे हैं, ये 10% ऐसे भी कवर हो जाएंगे अगर कोई यहाँ से इन्वेस्टेड है तो फिलहाल ये शेयर में ज्यादा कोई लॉस किसी को नहीं हुआ रहेगा, ये स्ट्रांग शेयर यहाँ पर नजर आ रहा है। 5 साल वाले को इसने रिटर्न्स कैसे दिए ये भी मैं दिखा देता हूँ, तो 5 साल से जो इन्वेस्टेड है उनको लगभग इसने 119% के रिटर्न दिए, तो काफी अच्छे दिए हैं, डबल तो हुए हैं पैसे। और लेकिन जो मैक्स है यानी 10-20 साल से इन्वेस्टेड है उनको देखो काफी अच्छे रिटर्न दिए 3900, ठीक है, और काफी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कितना ये हो जाएगा अगर आपका कैपिटल आप इसको गिनोगे तो काफी ये अच्छे रिटर्न्स ये माने जाते हैं। और इसी तरीके के मल्टीवेगर आपको रिटर्न लेने हैं, आपको ना FD देगा ना आपको सेविंग बैंक देगा, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट देगा, तो मार्केट में टिको, मार्केट में भागो मत। अभी मैंने बहुत लोगों को देखा यूट्यूब पे आना बंद कर देते हैं, न्यूज चैनल देखना बंद कर देते हैं,
और मेन टाइम यही होता है कि यहाँ अब भी मार्केट में आना चाहिए और अब भी मार्केट से लोग भागते हैं। मेन चीज है स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे टाइम पे ये एंट्री करता है मार्केट में, और जो स्मार्ट नहीं होते तो वो लोग ऐसे टाइम पे मार्केट से भाग जाते हैं। और इन्फॉर्मेशन लेने से या टीवी चैनल्स से, देखो न्यूज देखना है, बाकी अपना काम है, आपको एनालाइज करना है, या मैं यहाँ पर जो एनालाइज कर रहा हूँ वो चीजें देखनी है। और ये शेयर में खुद भी मैं इन्वेस्टेड हूँ और फिलहाल मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। और मैंने ये लॉन्ग टर्म के मेरे शेयर्स में मैंने बताया था, वो लॉन्ग टर्म का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर काफी शेयर्स थे, उसमें से ये एक है। और मैं इसके लिए सेपरेट भी एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म का वो पूरे बहुत सारे शेयर्स थे उसमें, उसमें से बहुत लोगों तक ये चीजें पहुंची नहीं रहेगी, इस वजह से मैं यहाँ पर आपके लिए फिर से सिंगल सिंगल शेयर्स आपको बता रहा हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में है। और ये लगभग अभी भी मुझे 17-18% का रिटर्न्स दे रहा है, और ऐसे मार्केट सिचुएशन में भी, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको और भी लंबा इसको होल्ड करने वाला हूँ और काफी अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये शेयर्स में कब तक हूँ, कितना टाइम रहने वाला हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको अपडेट देते ही रहूंगा इसके रिजल्ट्स के हिसाब से, इसकी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि मैं वॉच तो रखते ही रहता हूँ क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है। और मोस्ट ऑफ आपकी चैनल को पे आप देखोगे, अदर चैनल पे आपको शेयर्स बताएंगे लेकिन वो खुद इन्वेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको दिन में 10 शेयर तो बताते रहेंगे और दिन में 10 शेयर्स में इन्वेस्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर मैं इतने शेयर नहीं बताता, जो भी मेरे शेयर है ऑलरेडी मैं 4 पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ, और चारों पोर्टफोलियो में किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 20 शेयर है, और जितने भी शेयर है सारे शेयर मैं आपको मेरे चैनल पे बता रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी शेयर है सभी शेयर में से मैं प्रॉफिट भी जरूर निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ, और ऑलरेडी मैं पहले से निकालते भी आया हूँ। और जो भी शेयर्स में प्रॉफिट निकालता हूँ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे बताता ही हूँ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है। और मेन चीज है कि आपको भी सबर करना आना चाहिए, पेशेंस रखना आना चाहिए, पेशेंस से ही पैसा बनता है, ऐसा पैसा नहीं बनता है। और रिस्क है वहां पर ही प्रॉफिट है, बिना रिस्क का आपको पैसा कमाना है तो बिना रिस्क के आपको जॉब ही करना पड़ेगा, और आपको सेविंग बैंक में ही पैसे रखने पड़ेंगे या एफडी में रखने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा वही चीज आपके लिए बिना रिस्क की है, नहीं तो आप शेयर मार्केट में कभी जिंदगी में नहीं कमा सकते। कमाना है, रिस्क लेना ही सोचा है तो थोड़ा पेशेंस भी रखना सीखो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठा हूं मैं, खुद भी इंफॉर्मेशन आपको दे भी रहा हूं, और खुद के लिए भी, मेरे लिए भी काम आती है ये चीज, और ऊपर से अपडेट्स मैं खुद भी रखता हूँ और लोगों को भी बता देता हूँ, साथ साथ में मैं भी कमा रहा हूँ, आप भी कमा रहे हो, ठीक है, और आगे भी कमाओगे। ऑलरेडी मार्केट खराब होने की वजह से बहुत लोग नहीं कमाते रहेंगे, और फिलहाल यहाँ से आगे मार्केट जैसे ही अच्छा होना चालू हो जाएगा, रोज एवरीडे बहुत सारे शेयर्स निकलेंगे, दिन में 2-2, 3-3 शेयर्स में इजिली बेच देता था, प्रॉफिट में बेच देता था, और मिनिमम मेरा 1% होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो मल्टीबैगर 100 से ज्यादा ही होते रिटर्न्स। तो ऐसे रिटर्न्स आपको आगे देखने मिलेंगे ये चैनल पे, जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ और खुद प्रॉफिट निकाल के बताता हूँ, और वो शेयर में आपके साथ भी शेयर करता हूँ, लेकिन आपकी मर्जी होती है उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, या देखना है परखना है फिर ही इन्वेस्ट करना है, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इसी तरीके की चैनल्स पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, और यहाँ से आपको जरूर डेफिनेटली प्रॉफिट्स दिखेंगे आगे आते हुए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।